Students, welcome to SST class. Hope you all are fine at home. Now let's start our chapter. Chapter number 10, the state of Northern Plains. Plains. तो हमने इसमें क्या पढ़ा था? पहले पंजाब की हिस्ट्री पढ़ी थी और क्या होता है ये Northern Plains उसके बारे में पढ़ा था. तो let's start to हरियाणा. हरियाणा की जियोग्राफी क्या है? हरियाणा इज़ अ स्टेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया दैट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश इन द नॉर्थ, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट एंड राजस्थान इन द साउथ एंड वेस्ट. मोस्ट पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स हैव फर्टाइल फ्लैट लैंड. द घग्गर रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट. मैनी कैनल्स हैव बीन बिल्ट इन द स्टेट ऑफ ड्रिंक वाटर फ्रॉम यमुना रिवर एंड रिवर्स ऑफ पंजाब. दीज कैनल्स सप्लाई वाटर फ्रॉम इरीगेशन. चंडीगढ़, फरीदाबाद, रोहतक, करनाल एंड गुड़गांव आर मेजर सिटीज ऑफ द स्टेट. जो हरियाणा है वो इसके नदर उसके जो बॉर्डर्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? जो उसका नॉर्थ साइड है वो पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश में है और दिल्ली और उत्तर प्रदेश उसकी ईस्ट साइड पर रहता है और राजस्थान उसकी साउथ एंड वेस्ट बोथ है. जो इसका मोस्ट पार्ट है वो फर्टिलाइज है और यहाँ पे फ्लैट लैंड है. इसमें कौन सी रिवर फ्लो करती है? घग्गर रिवर. मैनी कैनल्स, इसमें बहुत ज़्यादा कैनल्स हैं जैसे कि यमुना रिवर एंड द रिवर्स ऑफ पंजाब. तो इसमें से होके जाते हैं इसकी स्टेट्स में. दिस कैनल सप्लाई वाटर फॉर आर इरीगेशन. जो इसकी कैनल्स हैं उसकी वाटर्स का सप्लाई होता है उनको इरीगेशन करने के लिए. चंडीगढ़, फरीदाबाद, रोहतक, करनाल एंड गुड़गांव आर द मेजर सिटी. इसकी जो मेजर सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? चंडीगढ़, फरीदाबाद, रोहतक, करनाल एंड गुड़गांव. लैंग्वेजेस, द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इज हिंदी. जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है. पंजाबी एंड इंग्लिश आर अदर कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज. पंजाबी एंड इंग्लिश इसमें वैसे लैंग्वेज यूज की जाती है. द हरियाणवी डायलैक्ट इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल. डायलैक्ट मीन्स लैंग्वेजेस जो कि वहाँ के कुछ लोगों के दोबारा बोली जाती है वो कौन सी है? हरियाणवी. फूड, पीपल इन द स्टेट मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटीज यूजिंग व्हीट, वर्ली, बाजरा एंड ग्राम फ्लोर. जो यहाँ के लोग हैं डिफरेंट टाइप्स की रोटी बनाते हैं किसके साथ? व्हीट के साथ, वर्ली, बाजरा एंड ग्राम फ्लोर, मक्की का आटा. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक फ्रेश वाटर, कर्ड एंड लस्सी आर कंज्यूम रेगुलरली. यहाँ पे जो मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से हैं? फ्रेश वाटर, कर्ड और लस्सी. कचरी की सब्जी, सिंगरी की सब्जी, हरा धनिया, चोलिया एंड बाजरा, आलू रोटी, मक्खन आर सम पॉपुलर डिशेज प्रिपेयर इन द स्टेट. ये सब डिशेज हैं वो इसमें इस स्टेट की फेमस डिशेज हैं जो कि यहाँ पे प्रिपेयर की जाती हैं. एग्रीकल्चर, फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन. क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, मिलेट्स एंड कॉटन आर ग्रोन हेयर. मैंगोज एंड गावा आर द फ्रूट्स ग्रोन ऑन द मेजर स्केल. काउस एंड वाटर बफेलोज आर द कॉमनली डोमेस्टिकल एनिमल्स. यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है? क्रॉप उगाना. किस किस की चीज की क्रॉप उगाई जाती है? वीट, राइस एंड मिलेट्स, कॉटन्स की. और यहाँ के जो फ्रूट हैं मेजर्स कौन कौन से हैं? मैंगो एंड गवा. यहाँ पे काउ एंड बफेलोज भी कॉमनली एनिमल्स हैं. टूरिज्म, भदकाल लेक, दमंदा लेक, जावद्विंद्रा गार्डन्स एंड पंचकूला आर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन. जो यहाँ की टू लेक पॉपुलर हैं वो कौन सी हैं? भदकाल, दमदमा लेक एंड यादविंद्रा गार्डन यहाँ का बहुत पॉपुलर है और पंचकूला इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है. डिवोर्स कम टू कुरुक्षेत्र फॉर पिलीग्रम वेयर दे टेक बाथ इन हॉली वाटर. कुरुक्षेत्र इज़ ऑल्सो पॉपुलर फॉर हॉली वाटर टैंक्स के लिए. एवरी ईयर एन इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर इज ऑर्गेनाइज एट अ सूरज कुंड इन फेब्रवरी एंड अ मैंगो फेयर इन ऑर्गेनाइज एट अ पिंजोर गार्डन इन जुलाई टू शोकेस द डिफरेंट वराइटीज ऑफ मैंगो. जो यहाँ के इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर हैं वो कौन कौन से हैं? सूरज कुंड में होता है फेब्रवरी में और मैंगो फेयर ऑर्गेनाइज होता है पिंजोर गार्डन में जुलाई में, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के मैंगो की वराइटीज़ को शो किया जाता है. इंडस्ट्री कौन सी है यहाँ पे? साइकिलिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कार्स एंड ट्रैक्टर्स, आयरन फर्निशिंग मटेरियल्स आर डिफरेंट इंडस्ट्रीज रनिंग इन द स्टेट. यहाँ पे साइकिल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की एंड ऑटो कार्स एंड ट्रैक्टर्स की डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि स्टेट में चलती हैं. नेक्स्ट वन इज दिल्ली. जियोग्राफी क्या है इसका? दिल्ली का, दिल्ली स्टेट इज़ ऑफिशियल कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी और एनसीटी ऑफ दिल्ली. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद हरियाणा इन द नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ एंड विद उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट. यमुना इज़ द ओनली मेजर रिवर फ्लोइंग
through Delhi. New Delhi has its own government, but the government of India also takes responsibility related to it. People from all parts of the country come and live here. Many of them come here for professional reasons, like running their business or to work in the government or private office. जो कि मेरा दिल्ली है वो क्या है, ऑफिशियल कॉल स्टेट है. इसको क्या बोलते हैं, NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी. ये दिल्ली किसकी है, इंडिया की कैपिटल है. इसका जो बॉर्डर शेयर होता है हरियाणा में नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ में, और उत्तर प्रदेश के साथ ईस्ट में, जो यमुना रिवर है, जो जहाँ की मिसर रिवर है. यहाँ पे क्या है, दिल्ली हैज इट्स ऑन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो कि दिल्ली की उसकी अपनी गवर्नमेंट है, उसके थ्रू ही वो सभी वर्क करते हैं. जो यहाँ के, यहाँ पे सभी कंट्रीज़ के लोग आके लिव करते हैं. और जो ये किसके लिए फेमस है, प्रोफेशनल रीज़न लाइक रनिंग देयर ओन बिजनेस एंड वर्क इन अ गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिस. यहाँ पे देश के सभी बड़े प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑफिस हैं. सो मोस्टली पीपल आर कम हेयर for their work. Language. Hindi is the commonly spoken language, although people from different part of the country living here speak different language. यहाँ की language कौन सी है, हिंदी commonly language है, but यहाँ पर different types के countries के लोग रहते हैं और वो different language use करते हैं. Food. People relish all variety of chaats, paranthas and dessert like rabdi and faluda. Delhi is also known for its Mughlai food and non-vegetarian delicious. जो दिल्ली है उसमें फूड की कौन कौन सी वेराइटी फेमस है, चाट पराठास एंड डेजर्ट कौन सा है, रबड़ी एंड फलूदा. जो यहाँ का कौन सा फूड फेमस है, मुगलई फूड एंड नॉन वेजिटेरियन. कल्चर एंड फेस्टिवल. न्यू दिल्ली बिगिंस द कैपिटल ऑफ अ कंट्री सेलिब्रेटिंग नेशनल डेज लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती एंड ऑन लास्ट. यहाँ पे कौन कौन से सेलिब्रेशन फेमस हैं जो नेशनल डे के लिए किए जाते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. मैनी फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, महावीर जयंती, गोपुर, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, होली, क्रिसमस, लोहड़ी, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, ईद एंड बुद्ध जयंती आर ऑल्सो सेलिब्रेटेड. ये सब वहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे फेस्टिवल जो कि हमारे यहाँ भी सेलिब्रेट होते हैं. एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इज़ अ प्रैक्टिस बाय स्मॉल टाइम फार्मर्स हु ग्रो वीट एंड वेजिटेबल. यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो बहुत कम होती है, जिसमें क्या कहते हैं, वीट एंड वेजिटेबल्स ही होते हैं. टूरिज्म. दिल्ली इज़ अ होम ऑफ बोथ मॉडर्न एंड हिस्टोरिक अट्रैक्शन. जो कि दिल्ली है वो हमारा क्या है, बोथ टाइप की के लिए फेमस है, मॉडर्न एंड हिस्टोरिक दोनों टाइप के लिए. बिल्डिंग्स आर रनिंग ऑफ स्ट्रक्चर बिल्ट इन द पास्ट बाय किंग्स, रोलर्स एंड अदर पीपल हेल्प अस अंडरस्टैंड द रिच हिस्ट्री ऑफ आवर दिल्ली. जो दिल्ली की हिस्ट्री है वो किसके द्वारा थे, वहाँ पे किंग्स के द्वारा और अदर पीपल की हेल्प के साथ हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, जमुना मस्जिद एंड हनुमान टॉम एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, होम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, संसद भवन एंड लोटस टेम्पल आर न्यू स्ट्रक्चर. द नेशनल म्यूजियम, नेशनल रेल म्यूजियम एंड नेहरू प्लैटिनम और अदर टूरिस्ट अट्रैक्शन. जहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें फेमस हैं, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड हनुमान टॉम यहाँ के सबसे फेमस हेरिटेज सिटी साइट्स हैं. और इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन एंड लोटस टेम्पल ये कुछ टाइम बाद स्ट्रक्चर किए गए हैं, बट ये पुराने नहीं है, ये किसी भी तरह के हिस्ट्री के साथ रिलेटेड नहीं है, ये क्या है, पोलिटिकल साइट्स हैं. इंडस्ट्रीज. मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स एंड लेदर प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ दिल्ली. इसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्लोथ का एंड लेदर प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है यहाँ पे इंडस्ट्री. उत्तर प्रदेश. जियोग्राफी क्या है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न रीजन एंड इट द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया. जो उत्तर प्रदेश है वो हमारे नॉर्थ साइड पे पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में. द स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद नेपाल एंड उत्तराखंड इन नॉर्थ, बिहार इन द ईस्ट, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ इन द साउथ ईस्ट, मध्य प्रदेश इन द साउथ, राजस्थान इन द साउथ वेस्ट, हरियाणा इन द वेस्ट एंड हिमाचल प्रदेश इन द नॉर्थ वेस्ट. इट ऑल्सो शेयर्स अ पार्ट ऑफ इट्स बॉर्डर विद नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. गंगा एंड जमुना टू मेन रिवर्स दैट फ्लो इन द स्टेट एंड जॉइन एट प्रयागराज, फॉर्मली नोन एज इलाहाबाद. लखनऊ द कैपिटल सिटी इज सूटेड ऑन द गोमती रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर. आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा एंड लखनऊ आर द मेजर सिटीज ऑफ द स्टेट विद हिस्टोरिक एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस. जो कि
उत्तर प्रदेश है वो स्टेट क्या बहुत बड़ा, इंडिया की बहुत बड़ी नॉर्दर्न साइज़ है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें कौन कौन से किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है? नेपाल उत्तराखंड का नॉर्थ में, बिहार ईस्ट में, झारखंड छत्तीसगढ़ साउथ ईस्ट में, मध्य प्रदेश साउथ में, राजस्थान साउथ वेस्ट में, हरियाणा इन द वेस्ट एंड हिमाचल प्रदेश इन द नॉर्थ वेस्ट। ये इसका एक पार्ट है, का बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? दिल्ली के साथ। तो इसके जो दो मेन रिवर हैं गंगा एंड यमुना है, और इसमें जो यहाँ से फ्लो होके प्रयागराज जो कि फॉर्मली इलाहाबाद में जाती है, लखनऊ इसकी कैपिटल सिटी है, और सिटेड यहाँ पे कौन कौन सी रिवर है? गोमती रिवर, ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा एंड लखनऊ आर द मेजर सिटीज जो कि हिस्टोरिक एंड रिलीजियस दोनों टाइप्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द बैक एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिव अनदर नेम फॉर द नदर्न प्लेन्स एंड द रीजन फॉर इट। नदर्न प्लेन्स को कौन सा नेम, अनदर नेम दिया गया है और इसका रीजन क्या है? द नदर्न प्लेन्स ऑल्सो नोन एज अ फूड बाउल ऑफ इंडिया बिकॉज दीज प्लेन्स हैव फर्टाइल लाइवली सॉइल एंड मेजर क्रॉप सच एज वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड एंड जूट, आर्गॉन्स, हेयर एंड दिस रीजन इज अ थिकली पॉपुलेटेड। जो नदर नेम उसको क्या बोला जाता है? फूड बाउल। इसमें कौन कौन सी चीज़ें फर्टिलाइज की जाती हैं? मेजर क्रॉप्स की जाती हैं वीट, राइस, शुगर केन, गन्ना, पल्सेस, दालें, ऑयल सीड जिसके साथ ऑयल्स बनते हैं वो सब इसमें उगाई जाती हैं जो कि थिकली पॉपुलेटेड है। राइट, फोर फीचर्स ऑफ द नदर प्लेन। फोर फीचर्स कौन से हैं? दे आर वेरी फर्टाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ और ऑलवेज सॉइल। द नदर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपॉजिट्स बाउथ बाय द थ्री मेजर रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। द प्लेन मोस्टली कंप्रेस ऑफ फ्लैट लैंड। नदर्न प्लेन्स आर द वर्ल्ड्स मोस्ट इंटेंसली फॉर्म्ड एरिया। जो कि हमारी नदर्स हैं उसमें कौन कौन से हैं? पहला फर्टिलाइज होता है, वहाँ की सॉइल्स बहुत अच्छी है, फॉर्म्ड के लिए अच्छा होता है, वहाँ पर रिवर्स हैं और कंप्राइज फ्लैट लैंड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और वर्ल्ड का मोस्ट फॉर्म्ड एरिया है। डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द नदर्न प्लेन्स। उस वहाँ का हमें क्लाइमेट कैसा, वेदर कैसा होता है उसको एक्सप्लेन करना है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन्स एक्सपीरियंस कॉन्टीनेंशियल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। इन दिस एरियाज द समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड। द एयर इज जनरली डिवॉइड ऑफ मॉइस्चर्स। ऑन द ईस्टर्न साइड द विंटर्स आर माइल्ड वाइल द समर्स आर हॉट विद मच मॉइस्चराइजर इन द एयर। जो इसका नदर्न पार्ट की जो क्लाइमेट है वो क्या है? समर में बहुत ज़्यादा हॉट होता है और विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। जो इसकी ईयर है वो मॉइस्चराइज से डिवाइड होती है। जो ईस्टर्न साइड है वो वहाँ पे विंटर्स आर माइल्ड एंड हाइल द समर्स आर हॉट। वहाँ पे ठंड कम होती है बट समर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और मॉइस्चराइजर भी होता है ईयर में। होप यू गाइस अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर्स एंड आंसर्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे। एग्रीकल्चर राइस, जूट, शुगर कैन, पल्सेस, कोकोनट, पोटैटो एंड कॉटन आर कल्टिवेटेड इन असम। ऑरेंजेस, बनानास एंड पपाया आर ऑल्सो सम फ्रूट्स ग्रोन इन द स्टेट। द स्टेट इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टी, हैज मैनी टी गार्डन। जो यहाँ का एग्रीकल्चर है वो मेन क्या है? राइस, जूट, शुगर कैन, पल्सेस एंड कोकोनट, पोटैटोज एंड कॉटन आर द मेन जो यहाँ की एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है। और ऑरेंज, बनानास, पपाया यहाँ के सम फ्रूट्स हैं जो इस स्टेट में ग्रोन होते हैं। जो इसका मेजर प्रोड्यूसर क्या है? टी है। यहाँ पे मेजर टी के बहुत ज़्यादा गार्डन है। टूरिज्म क्या है? गुवाहाटी इज़ अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इट्स जू, टेम्पल्स एंड प्लैनेटेरियम। जो यहाँ का गुवाहाटी है वो जू, टेम्पल्स एंड प्लैनेटेरियम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। देखे जरिया नेशनल पार्क इज़ होम ऑफ द वन ऑन्ड रेनोकोस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, वाइल्ड वाटर बफेलोज एंड स्वैप डियर। जो यहाँ का नेशनल पार्क है वो इनका होम टाउन है, इनका राइनो का, टाइगर्स, एलिफेंट्स, वाइल्ड वाटर बफेलोज एंड स्वैप डियर्स का। एनिमल्स और यहाँ पे क्या है? एनिमल्स सच एज असम रूटर टर्टल, हिस्पेड हेयर, गोल्डन लैंगूर, पिजामा हॉग एंड वाइल्ड वाटर बफेलोज कैन बी सीन इन द मानसा नेशनल पार्क। बोथ आर द पार्क्स वर द डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बाय यूनेस्को। ये बोथ पार्क्स एनिमल्स के लिए पॉपुलर हैं। इंडस्ट्री कौन सी है? टी की और कर्डल की। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ द स्टेट, ये दोनों स्टेट की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हैं। पाइपलाइंस ऑफ ऑयल फेज कैरी ऑयल, जहाँ पे रिफाइनरी का प्रोडक्ट्स भी है जो कि मीट करता है, जहाँ पे इनटू पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन में इनको चेंज करता है। वीविंग द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री स्टेट इज नॉन द प्रोडक्शन ऑफ मुगा पट एंड ईरी सिल्क। यहाँ पे ये तीन इंडस्ट्रीज सिल्क, तीन टाइप की सिल्क प्रोड्यूस की जाती है, इंडस्ट्रीज के लिए नोन है, और ये तीनों सिल्क यहीं पे प्रोड्यूस होती हैं और बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं।
नेम द स्टेट्स एंड देयर कैपिटल विच आर कवर्ड बाय द नदन प्लेन्स. जो हमें क्या बताना है, स्टेट्स के नेम बताने हैं और उनकी कैपिटल. पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा ऑल्सो चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार पटना, वेस्ट बंगाल कोलकाता, असम जशपुर, दिल्ली दिल्ली. लिस्ट द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द नदन प्लेन्स. हमें लिस्ट बनानी है किनके रिवर्स की जो कि डिफरेंट स्टेट्स में चल थ्रू करती हैं. गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र आर द थ्री लार्जेस्ट रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द प्लेन्स. जो जहाँ पे कौन कौन सी तीन फेमस रिवर हैं, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र. और द मोस्ट अदर रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द इट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द मेन रिवर्स. जो कि आया ट्रिब्यूटरीज इनकी मेन रिवर्स हैं, दे आर सतलुज, यमुना, गंडक, सन एंड कोसई आर द अदर रिवर्स. वेस्ट बंगाल इज अ स्टेट दैट द रिवर्स ड्रेन्स फ्रॉम. जस्टिफाई दिस. वेस्ट बंगाल इज अ कोस्टल स्टेट सिटेड ऑन द बे ऑफ बंगाल. जो कहाँ पे सिटेड है, बे ऑफ बंगाल में. द स्टेट कैपिटल इज कोलकाता सिटेड ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर. कहाँ पे है, हुगली रिवर के बैंक पे किनारे पे. द रिवर अलॉन्ग विद ब्रह्मपुत्र फॉर्म्स ऑफ ह्यूज डेल्टा एंड फ्लोज इन टू द बे ऑफ बंगाल. जो यहाँ पे क्या है, ब्रह्मपुत्र है, ह्यूज डेल्टा है, वो बहुत बड़ी रिवर है और यहाँ से वो आगे छोटी छोटी रिवर्स में डिवाइड हो जाती है. लास्ट ये कहाँ पे जाती है, वेस्ट बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल तक फ्लो करती है. देयर इज़ अ लास्ट वेरिएशन ऑफ लैंड फॉर्म्स इन द स्टेट. जहाँ पे लास्ट वेरिएशन किसकी है, लैंड फॉर्म की है. फॉर हाई हिल्स एंड माउंटेन्स टू एलिवल प्लेन्स एंड टू द सीट कॉस्ट. यहाँ पे हाई हिल्स एंड माउंटेन्स भी अवेलेबल हैं. यहाँ पे प्लेन डेजर्ट भी है और सीट कॉस्ट भी है. होप यू गाइस अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर्स एंड ऑल द क्वेश्चन आंसर. थैंक यू, हैव अ गुड डे.